उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के हालात को देखते हुए आपदा कंट्रोल रूम भी अलर्ट मोड पर है। देहरादून सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम से चारधाम क्षेत्रों से लेकर सभी जगह स्थिति पर नजर रखी जा रही है। चारधाम यात्रा के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में माननीय मुख्य सचिव द्वारा भी बहुत डिटेल्ड फॉलोअप किए गए हैं और उसके क्रम में जो निर्देश दिए गए हैं उसमें बड़ा क्लियर है कि विभिन्न विभागों का समन्वय बनाते हुए रोड क्लियरेंस है, यात्रियों के लिए प्रॉपर व्यवस्था है, अगर कहीं पर कोई ब्लॉकेज है और थोड़ी देर के लिए वो अगर कहीं पे स्ट्रैंडेड होते हैं, उसके अलावा जो विभिन्न विभागों का मैंडेट है जो मॉनसून में भी रहता है उसको प्री शेड्यूल करके इस बार चारधाम यात्रा रूट पर और सारे समस्त कंट्रोल रूम जिलों के तथा राज्य के एक्टिवेट करे गए हैं। नोडल अफसर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सभी जगह हैं और बहुत क्लोजली उस चीज़ को मॉनिटर करते हुए देखा जा रहा है किसी प्रकार की असुविधा ना हो, चाहे वो जल से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, ऊर्जा से संबंधित हो या अन्य किसी मेडिकल विभाग या ट्रांसपोर्ट, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते हुए सुनिश्चित किया जा रहा है। ख़ासतौर से अभी चारधाम यात्रा क्योंकि पीक पर है, एक तरह से काफ़ी लोग आ भी रहे हैं तो उसको और सुव्यवस्थित करने के हेतु ये सारे दिशा निर्देशों का पालन विभिन्न स्तरों पर काफ़ी सीरियसली किया जा रहा है।